है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं प्रधानमंत्री जी ने देश हित में जो निर्णय किया है उसका स्वागत करता हूं, और हमारे प्रधानमंत्री जी हर फैसला जो है देश हित में करते हैं, चाहे वो कश्मीर में धारा 370 का हो, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन का हो, चाहे वो राम मंदिर निर्माण का हो, चाहे वो किसानों के हित में कोई फैसला करने का हो। और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं सबसे ज़्यादा किसानों के हित में फैसले उन्होंने किए हैं। यूरिया का कालाबाजारी थी उसका नियम लेपन किया, जो केसीसी का राशि थी उसको दुगुना किया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को काफ़ी हद तक लागू किया, फसलों का भाव बढ़ाया और किसान सम्मान निधि के रूप में लाखों करोड़ रुपए किसानों के घर पहुंचाए, और उनको जो चिंता है 2 हेक्टेयर तक के किसान जो 80% की जिनकी अब तादाद है उनकी वो चिंता करते हैं, गरीबों की चिंता पहले करते हैं। गरीबों में चाहे मजदूर हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे किसान हो, और मैं किसान भाइयों को ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस विशाल हृदय से हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी की जयंती पर उनके प्रकाश पर्व पर फैसला लिया है, आप खुशी खुशी इसका स्वागत करते हुए अपने घरों में जाएं, और आपने जो मेहनत की है, जो कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को बल दिया है, खाद्यान्न से आपने देश के भंडार भरे हैं, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। सारा देश आपको नमन करता है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से आप सबको नमन करते हुए, और हम सब मिलजुल करके इस आशा और विश्वास के साथ कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे और सब मिलजुल करके देश को आगे बढ़ाएंगे, आग इस भावना के साथ मिलकर के आप अपने अपने घरों को जाएं। विपक्षियों